थाईलैंड की मार्केटिंग कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए टिंडर लीव की घोषणा की है। बात थाईलैंड की है, अगर ये टिंडर लीव भारत में लागू होती है तो क्या उसका असर होगा, क्या ये टिंडर लीव भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं। ये लीव उन लोगों के लिए है जो प्यार मोहब्बत में है या फिर डेटिंग के लिए अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं। बात थाईलैंड की है, अगर ये टिंडर लीव भारत में लागू होती है तो क्या उसका असर होगा, क्या ये टिंडर लीव भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं। युवा वर्किंग मैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, जो थाईलैंड की कंपनी ने टिंडर लीव निकाली है अपने यहाँ, तो क्या लगता है वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आप डेटिंग में हैं और किसी पार्टनर के साथ डेट पर जाना चाहते हैं उनके लिए ये लीव है, क्या इस लीव को लेकर आपका क्या कहना है और ये भारत में हो सकती है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने बताया मार्केटिंग कंपनी है, तो कहीं ना कहीं एक वर्कलोड बना रहता है एम्प्लॉय के ऊपर, उसके लिए स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा सा ये अच्छा एक मतलब एक काम किया है कंपनी ने बेसिकली। इंडिया की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है इसकी, लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा लोग इसका विद्रोह करेंगे। कहीं ना कहीं कल्चर संस्कृति की अगर हम बात करें वो ख़राब होगा, एक एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। इंडिया में ये बहुत कम चांस, रियर चांसेस है कोई कंपनी अगर ऐसा करती है तो। थाईलैंड के हिसाब से अगर उनके कल्चर के हिसाब से बात करें तो ये अच्छी चीज़ है, वैसे कोई बुरा नहीं है इसमें। अगर आप डेटिंग के लिए दे रहे हैं, दिन भर आपके पास स्ट्रेस रहती है, उस स्ट्रेस को कम करने की काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है टिंडर लीव के बारे में सुनकर और जानकर आपको कैसा लगता है? देखो, ठीक है, जो भी है तरीका उनका ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए माइंडसेट के लिए जो ठीक है, बट इंडिया में इज नॉट पॉसिबल। इंडिया में अगर एक माइंडसेट लीव हो सके तो वो अपने एम्प्लॉय को देनी चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे एम्प्लॉय के राजा मंडी रेलवे स्टेशन के नीचे भी आ गए क्योंकि उन्हें माइंडसेट लीव नहीं मिल पाया, तो वो मेरे हिसाब से माइंडसेट लीव होना चाहिए। आपको कैसा महसूस होता है, पहली बार कुछ कोई कंपनी ऐसा कर रही है कि आप लिव इन में रह रहे हैं या एक्चुअली में कल्चर जो कल्चर है थाईलैंड का और इंडिया का वो बहुत अलग है। जी जी, तो इंडिया में इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, भारत जो है संस्कृति का देश है। वैसे आपको क्या लगता है ये टिंडर लीव के बारे में? टिंडर लीव नहीं, मैं तो समझता हूँ माइंड सेट लीव होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, बाकी वहाँ की तो बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ उन कंपनी ने कुछ सोच के करा होगा, एनालाइज किए होंगे, रिसर्च की होगी, उसके बाद किया होगा। पर अगर इंडिया की बात करें तो भारत एक प्राचीन सभ्यताओं का देश है, तो कल्चर के खिलाफ ये तो नहीं जाएंगे। बाकी माइंडसेट, जैसे भाई ने बताया कि माइंडसेट लीव होना चाहिए, जहाँ एक एम्प्लॉय अपना माइंड को सेट कर पाए आगे के काम को लेके, चीज़ों को लेके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की लीव कितना लोगों को राहत पहुँचा पाएंगे? रात की बात यह है कि जैसे थाईलैंड में और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अभी हमारे देश में संस्कृति ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि वहाँ के लोग मोहब्बत में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जबकि हमारे देश में मोहब्बत में ज़्यादा पाबंदी है, जबकि छूट मिलनी चाहिए इस लीव को लेके, थोड़ा बहुत राहत सरकार को देनी चाहिए। क्या लगता है इस लीव के बारे में सुनकर आपको क्या कैसा महसूस होता है? नहीं, इस लीव को लेके महसूस तो अच्छा हो रहा है, मगर आप जानते हो कि भारत हमारी संस्कृतियों का देश है, भारत में तो मुश्किल है इस कानून को पास। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे सर इस तरह की लीव को लेकर, किस तरह का जो थाईलैंड ने करा है, क्या लगता है कि ये इस लीव को जानकर आपको क्या लगता है? देखिए, थाईलैंड दक्षिण एशिया के अंदर आता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की आप जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आएंगे, ये मांग बड़े लंबे समय से चलती आ रही है कि उनको डेटिंग के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या जो उनके पार्टनर है उनके साथ रहने के लिए, जिससे वो तनाव से मुक्त हो गए। एक अच्छा प्रयास है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मेरी इंगेजमेंट हो गई है और मैं रिलीव थोड़ा चाहता हूँ तो 2-3 दिन की छुट्टी में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर यूरोपियन कंट्री का और भारत की संस्कृति में कोई तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, वहाँ पर इस तरीके से डेटिंग के रूप में लीव मुझे नहीं लगता कि हम लोग पचा पाएंगे, हमारी कल्चर और हमारी सरकार इसको पचा पाएगी, वहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है। और तनाव के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी दे सकती है तो ये इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं होगा कि उनको तनाव को मुक्त करने के लिए छुट्टी दे रही है।
तनाव को मुक्त करने की बात ये थाईलैंड की कंपनी भी करती है, क्या लगता नहीं कि भारतीय कंपनी भी कुछ इस तरह का करती है क्या? और इस लीव छः महीने की लीव तक आप डेटिंग लीव पर आप जा सकते हैं, तो कितना बड़ा फासला है ये? देखिए, जो मैं अपना अनुभव बताता हूँ तो 6 महीने की लीव बहुत बड़ी होती है। और थाईलैंड जैसी कंपनी, क्योंकि थाईलैंड में ये कल्चर है, वहाँ का कल्चर पूरी दुनिया जानती है, तो वो लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो तनाव में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं इस समय नहीं बोल सकता कि वो वहाँ पर ये होते हैं, तो इसलिए वो तनाव में रहते हैं। तो उस तनाव को कंपनी अपने कर्मचारियों को कैसे दूर कर सकती है, इसलिए ये शुरू किया गया। लेकिन दूसरे मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी 6 महीने की लीव देंगे, ये तो असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन अब भारत की बात करें तो भारत में तो जो नामुमकिन है किसी भी तरीके से। लेकिन अगर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर अपने कर्मचारियों को 2 से 4 दिन 1 हफ्ते का देती है, तो इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। अगर आप उसको छुट्टी देंगे तो निश्चित तौर पर मानिए वो दुगनी ताकत के साथ में वो मेहनत करेगा और उसका प्रतिफल भी कंपनी को देखने को मिलेगा। अगर आपको कंपनी डेटिंग लीव दे तो कैसा महसूस करेंगे? खुशी महसूस होगी सर, और क्या होगा? डेटिंग लीव के लिए छुट्टी मिलेगी, बात करने का मौका मिलेगा, अपनी पार्टनर के संग जाने का भी मौका मिलेगा सर, घूमने का भी मौका मिलेगा, टाइम पूरा देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को। अच्छी बात है थाईलैंड ने ये करा, तो हम लोगों की भारत में हो सकता है सर? नहीं, भारत में तो मुश्किल है सर ऐसा होना। कोई कंपनी नहीं देगी डेटिंग? कोई नहीं देगी सकती। 8 घंटे की ड्यूटी हो, भारत में 12 घंटे लोग ड्यूटी करते हैं, तो आप सोचिए, नामुमकिन है ये चीज़।